we are going to start with chapter carbon and its compound. So students, सबसे पहले आपको एक बात जो है ना वो दिमाग में रखनी है कि अगर आप देखो नेचर में देखो कार्बन जो है, कार्बन के कितने ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं. कार्बन आपको हर जगह पे देखने को मिलती है. जैसे मान लो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपके, ठीक है, जैसे जितने भी आपके कोल और पेट्रोलियम, जैसे मतलब मान लो पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, तो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है बेटा वो किसका प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है कार्बन का. तो कार्बन जो है किस किस में पाई जाती है बेटा, मैक्सिमम जो इसकी अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स, और मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कोल, पेट्रोल, ठीक है, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये मैक्सिमम जो है, या फिर अगर हम बात करें ग्रेफाइट है, ठीक है, उसके बाद डायमंड है, तो इतने ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं. तो स्टूडेंट इसका सबसे पहले रीज़न हमें समझना है कि क्यों इतने ज़्यादा जो कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं. तो सबसे पहले कार्बन की नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बन के पाए जाते हैं. तो सबसे पहले बेटा एक बात जो आपने कार्बन के बारे में जाननी है वो क्या है कि जो कार्बन आपका है वो कार्बन की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले वो एक कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है. एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सेकंड कार्बन बेटा जो है वो एक टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट. थर्ड इज कि जो कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. जो आपका कार्बन है वो जे तीन प्रॉपर्टीज को शो करता है जिसके कारण इस कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं. तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. सबसे पहले कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो बेटा कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज. अब सेल्फ लिंकेज का मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास एक कार्बन है तो ये कार्बन क्या कर सकता है, सिमिलर अपनी जैसी कार्बन के साथ ये क्या कर सकता है, लिंकेज कर सकता है. सो दैट इज वी कॉल एज अ सेल्फ लिंकेज और कैटिनेशन प्रॉपर्टी. तो बेटा ये सेल्फ लिंकेज के कारण ही जो है ये चाहे तो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स को बना सकता है, या फिर ये क्या कर सकता है बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बना सकता है. क्या बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो किस तरह से, या ऐसे भी बना सकते हो, तीन कार्बन भी लिंक कर सकते हैं बेटा, छह भी लिंक कर सकते हैं, पांच भी लिंक कर सकते हैं साइक्लिक फॉर्म में. तो लॉन्ग चेन में, लीनियर चेन में तो आप जितने मर्जी जो कार्बन है वो लिंक कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, 20 तक जो है वो जो लिंक कर सकते हैं. तो मेन जो प्रॉपर्टी है दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसको हम सेल्फ लिंकेज बोलते हैं. सेल्फ लिंकेज मतलब कि कार्बन जो क्या करता है, अपनी जैसी सिमिलर कार्बन के साथ जो है वो लिंकेज करता है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. उसी तरह से सेकेंड हमारे पास आ जाता है टेट्रावेलेंट. तो टेट्रावेलेंट बेटा अगर
इसमें हमारे पास ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जितने वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा प्रेजेंट होते हैं वो हम एटम की वैलेंसी को डिफाइन करते हैं उससे। तो बेटा अगर कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं, तो जिसके कारण इसको हम टेट्रा वेलेंट जो है वो बोल सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एट वन टाइम को डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ, कितनी दूसरी एटम के साथ लिंक हो सकती है, चार एटम के साथ लिंक हो सकती है। तो वो चार एटम कोई हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या फिर वो चार एटम कोई हैलोजन हो सकते हैं या कोई कार्बन भी हो सकते हैं। तो सेकंड इज द टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या हो गया कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वो एक ही टाइम पे चार एटम के साथ डायरेक्टली जो है वो लिंकअप हो सकती है। और उसके बाद बेटा जो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन के केस में अगर हम देखें, कार्बन के केस जो है कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो कार्बन इज अ रेयर एलिमेंट जो कि ये तीनों तरह के लिंकेज बना सकता है और कार्बन की ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है कैटिनेशन की। और वो क्यों सबसे, ठीक है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा जितने भी पीरियोडिक टेबल में आप लोग एलिमेंट देखते हो टिल नाउ वी हैव 114 एलिमेंट्स, तो उसमें जो कार्बन है कार्बन की सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक कारण है कि इसके बहुत ज्यादा कंपाउंड्स जो है वो नेचर में मिलते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसके, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज द टेट्रावेलेंट होता है इसको, और थर्ड वन इज द कार्बन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल लिंकेज जो है वो फॉर्म कर सकता है। और उसके बाद बेटा अगर हम देखें कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स जो है उसमें किस तरह की लिंकेज पाई जाती है वो हमने देखना है बेटा। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयनिक लिंकेज पाई जाती है, आयनिक लिंकेज होती है, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोवेलेंट लिंकेज पाई जाती है, कोवेलेंट। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कार्बन है उसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है? तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो कार्बन है, कार्बन के बाहर वाले शेल में मैंने आपको पहले ही बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट रिक्वायर्स टू बी स्टेबल, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको बेटा, इसको ना 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए ये स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ऑक्टेट रूल जो है एक हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ऑक्टेट रूल जो है वो हमारे पास जहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी जो एलिमेंट है अगर उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर मेनली अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर वाले शेल में पाए जाते हैं तो वो क्या है, एलिमेंट हमारा स्टेबल है। तो अगर हम जितनी भी नोबल गैसेस हैं बेटा आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखना है, उसमें आप लोग देखोगे 18 जो ग्रुप है उसमें जो कि सारा का सारा किससे बराबर है, हैलोजन नोबल गैसेस से भरा हुआ है। तो वो नोबल गैसेस क्या है, दैट आर द स्टेबल इन नेचर। अब वो स्टेबल क्यों है, क्यों
बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अब कार्बन यहाँ पे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेगा, या तो वो क्या कर दे, अगर उसने आयनिक कंपाउंड बना लिया तो स्टेबल होने के लिए या तो उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा इट मीन्स कि उसके ऊपर वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन के पास कितने प्रोटोन, बेटा सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज फॉर्मड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिए, इसके पास पहले से भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 और गेन कर लिए तो कितने बन गए इसके पास 10। तो 6 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस की पॉजिटिविटी है वो कम पड़ जाएगी इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए, वो इतना ज़्यादा देर तक इनको होल्ड करके नहीं रख सकता, तो इसीलिए ये हमारे पास C4 नेगेटिव आयन जो है वो नहीं बनेगा, बिकॉज कि जो न्यूक्लियर पावर है बेटा वो कम पड़ जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए। और नेक्स्ट है कि अगर वो कोई पॉजिटिव आयन बना दे, स्टेबल होने के लिए मैं बात कर रही हूँ कि कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। तो अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो पीछे उसके पास क्या बचेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसने निकालना है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इट बिकम्स ऐसे उसके ऊपर 4 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हमने किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को बेटा बाहर निकालना है, मतलब मान लो आपके पास ये एटम है और एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, तो वी हैव टू सप्लाई एनर्जी, हमें क्या करना पड़ता है, एटम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने के लिए। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इट मीन्स इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ह्यूज हाई लिख सकते हो, ज्यादा इनको एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी, तो जिसके कारण ये जो C4 पॉजिटिव आयन है बेटा ये भी जो है वो नहीं बन सकता। तो अल्टीमेटली अब ये आयनिक कंपाउंड्स को बना ही नहीं सकता, तो अब ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। ये क्या कर लेगा, अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरी एटम के साथ शेयर कर लेगा और जिसके कारण ये अपने आप को स्टेबल जो है वो कर लेगा।